अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंबर क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बेसन के आलू, जिसको बेसन के बेले भी कहा जाता है। बहुत अच्छे बनते हैं। इसके लिए मैंने आप क्या क्या लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, बहुत मज़े के बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने लिया है बेसन 1 पाव। बेसन छान लिया है मैंने। इसके ऊपर मैंने आधी चम्मच जीरा, हसबे ज़रूरत नमक और थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी डाली है। पालक ले लिया है मैंने बारीक कटा हुआ। इसके साथ ही मैंने हरा धनिया भी काट लिया था। इसको मैंने बारीक काट के धो के रख लिया है। और इसके लिए मैंने लिया है लहसुन अदरक पिसा हुआ। इसमें मैंने गरम मसाला थोड़ा सा आधी चम्मच शामिल किया है। दही ले लिया है मैंने, 1 प्याली दही लिया है। 2 से 3 अदद हमने प्याज ले ली हैं, इसको हमने बारीक काट लिया है। इसको हम ऑयल में ब्राउन करके निकालेंगे। टमाटर लिए हैं मैंने, बारीक काट लिया है टमाटर को। हरी मिर्चें काट ली हैं 2 अदद। पिसा हुआ धनिया, हल्दी और नमक हसबे ज़रूरत। हरा धनिया काट लिया है। हरा धनिया और ये हरी मिर्चें मैं एंड में, जब हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी, फिर मैं इसमें डालूंगी। अब हम इसको, इसके अंदर हम ये पालक जो हमने बारीक काट लिया है ये इसमें डालेंगे। इसको हम आटे की तरह गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी हमें डालना है इसमें, बिल्कुल थोड़ा पानी हम इसमें डाल के फिर हम इसको गूंदेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इस बेसन में पालक डाला है इस तरह से। इसको मैं अब हल्का हल्का सा पानी डाल के गूंदना है, सख्त सख्त गूंदना है हमें। और थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालना है हमें इसमें, ताकि ये पतला ना हो। इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी हमें डालना है। इस तरह से हमें हाथ से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और बिल्कुल सख्त सख्त हमें रखना है इसे, इस तरह से। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हमने सख्त इस तरह से गूंद लिया है। इस तरह से आपको बिल्कुल सख्त सख्त गूंदना है इसे। इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी इस तरह की शेप में हम इसे बना लेंगे। जैसे ये मैंने बनाए हैं, इस तरह से आप सब मेरे बना, मैं सब बना के रख लूँगी इसे। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से मैंने बना लिए हैं गोल गोल शेप में। आप चाहें तो अपने मुताबिक किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। मैंने 4 गिलास पानी लिया है। हाँ, 4 गिलास मैंने पानी ले लिया है। इसको मैंने बॉयल किया है थोड़ा सा नमक डालकर। अब ये जो मैंने बना ली थी सब मैं इसमें डाल दूंगी आराम आराम से। 10 से 15 मिनट तक हमें इसे बॉयल करना है। जब ये बॉयल हो जाए 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे 10 से 15 मिनट तक ये बॉयल हो गए हैं। इस तरह से अब मैं इसकी 4-4 पीस कर लूँगी। इस तरह से हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये सब मैं इस तरह कटिंग कर लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये इस मैंने प्याज इसमें ब्राउन करके निकाल ली है। थोड़ा ऑयल मैंने इसमें रहने दिया है। ये जो बेसन के आलू मैंने कटिंग किए थे, ये मैं हल्के हल्के से इसमें थोड़े से ऑयल में ब्राउन करूँगी, हल्के से भूनूंगी थोड़ी देर 2-3 मिनट हमें इसे भूनना है हल्के हल्के से ऑयल में। इस तरह से मैं 2 से 3 मिनट तक इसको भून कर फिर मैं इसे निकाल लूँगी हल्के हल्के से ऑयल में। व्यूअर्स, ये ऑयल मैंने गरम कर लिया है। इसमें डालकर ज़ीरा डाला है मैंने थोड़ा सा। इसमें ज़ीरा थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो बनाया था ये डाल दूँगी। इसे हमें भूनना है थोड़ी देर। ये टमाटर मसाला जो हमने बना के रखा हुआ था, हरी मिर्चें कटी हुई, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। ये सारा मसाला हम भून लेंगे। हरी मिर्चें कटी हुई, दही जो हमने लिया था 1 प्याली दही, मसाला हमने भून लेना है। टमाटर का पेस्ट बन जाए जब तक हम इसे भूनेंगे। दही जो हमने लिया था 1 प्याली ब्राउन किया था, उसे कूट लिया है। कूट के मैंने इसमें मिक्स किया है।
और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें कोरमा मसाला मिक्स किया है। इस तरह से ये देखें, ये मैंने पेस्ट बना लिया है। मसाला हमारा भुन जाएगा तो फिर ये मसाला हमारा भुन गया है। ये जो पेस्ट मैंने बना लिया था दही का और प्याज का, कोरमा मसाला भी 1 चम्मच इसमें डाला था, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पानी डाल, थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल लेंगे। ये मसाला हमारा जब भुन जाएगा अच्छी तरह से, बेसन के जो हमने बॉईल किए थे आलू उसका पानी हमने निकाल लिया था, पानी हमने निकाल लिया था। मसाला जब हमारा भुन जाएगा तो फिर यही पानी हम इसमें डाल देंगे। मसाला हमारा ये देखें भुन गया है। ये बेसन के जो आलू हमने फ्राई किए थे ये मैं इसमें शामिल करूंगी। 1 से 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे और पानी जो मैंने आपको दिखाया था अभी वो पानी हम इसमें शामिल करेंगे 2 मिनट के बाद। ये देखें हमने 2 मिनट इसे भून लिया है। अब ये जो पानी हमने दिखाया था ये हम पानी डालेंगे इसमें, चाहें तो आप कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अगर आप कम पानी डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं इस तरह से, और 10 से 15 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे। फिर ये हमारे बेसन के आलू की रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये देखें फ्रेंड्स, आज की हमारे बेसन के आलू की रेसिपी तैयार है। बहुत ही लजीज बनते हैं, खाने में भी बहुत मज़ेदार होते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे आपको। अगर आपने हमारा चैनल अंबर क्रिएशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपनी ख़ास दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।